आज एक ऐसी अहम खबर आपको दिखाते हैं जो कि बेहद गंभीर मुद्दा है। आमतौर पर घरेलू हिंसा का जिक्र होते ही एक पीड़ित महिला की तस्वीर उभरती है। हालांकि यहां एक पुरुष ने अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में यह साफ कर दिया है कि 2005 के घरेलू हिंसा कानून के तहत परिवार के पुरुष सदस्यों खासकर के पति को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। चलिए आपको बताते हैं दरअसल ये मामला है क्या। दरअसल एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी। उसने 2005 के घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी को आरोपी बनाया। पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर दलील दी कि घरेलू हिंसा कानून के तहत किसी महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। महिला की अर्जी पर हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये कानून परिवार के पुरुष सदस्यों खास करके पति को प्रोटेक्शन नहीं देता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2A 2005 में लाया गया। इसके तहत पुरुष संग घर में रह रही या फिर रह चुकी महिला पीड़ित व्यक्ति है। इस कानून के दायरे में मां, बहन, पत्नी, बेटी या फिर विधवा हो सकती है। लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस कानून के तहत महिला के साथ घरेलू संबंध रखने वाले किसी भी बालिग पुरुष के खिलाफ शिकायत हो सकती है। इनमें पिता, पति, भाई या कोई भी पुरुष रिश्तेदार शामिल है। घरेलू हिंसा कानून के तहत सिर्फ महिला ही शिकायत करवा सकती है। अगर महिला ऐसा नहीं कर सकती है तो उसकी ओर से कोई और भी शिकायत करवा सकता है।